सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इंजीनियरिंग टेक ऑफ इंडिया और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि वीडियो आप सबसे पहले देखें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। आज का जो वीडियो है वो मेरा प्रोग्रामिंग के ऊपर नहीं है, लेकिन जो आप अगर आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, कुछ इशू आपको फेस करने पड़ते हैं, तो उसका कुछ सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं आज। जो आज का जो टॉपिक है वो है माइनर डाया ओवरसाइज। बहुत सारी जगह पे थ्रेडिंग का ऑपरेशन होता है, मतलब मैंने जहाँ तक देखा है तो बहुत सारी, मतलब जहाँ पर भी गया वहाँ पे टैपिंग थ्रेडिंग का ऑपरेशन होता है, वहाँ पे मेजरली इश्यू क्या आता है? माइनर डाया ओवरसाइज, मतलब जो थ्रेडिंग का जो माइनर डाया होता है, मेजर डाया और माइनर डाया। तो माइनर डाया में क्या होता है कि उसका डायमीटर बढ़ जाता है, उसके कारण पार्ट रिजेक्ट होता है। तो रिजेक्ट पार्ट को एनालिसिस कैसे करना है, उसमें क्या क्या पॉइंट आपको चेक करना है, इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूँ। और कुछ मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको उसमें गाइडेंस दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है माइनर डाया ओवरसाइज। अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपका यो कोई इशू आया होगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पे टैपिंग का ऑपरेशन होता है, थ्रेडिंग का ऑपरेशन होता है, उसमें ये मेजरली कंट्रीब्यूट करता है रिजेक्शन में। अगर आपका इसका रूट कॉज तक जाना है तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, उसका रूट कॉज ढूंढने का कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आप जरूर ट्राई कीजिए उसको। तो पहले हम समझ लेते हैं माइनर डाया क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता भी हो, ये आपका एक थ्रेड हो गया, थ्रेड ऐसा होता है ना, ये जो अंदर का रहता है ये डायमीटर जिससे थ्रेड बनता है, ये होता है माइनर माइनर डायमीटर। और जो बाहर का होता है मेजर डायमीटर। तो ये थ्रेडिंग का ये होता है माइनर डायमीटर और मेजर डायमीटर। मोस्ट ऑफ दी केसेस पे हमें जो प्रॉब्लम मिलता है वो माइनर डाया में मिलता है, क्योंकि उसका गोनोगो का गेजेस रहता है, वो उसको हम चेक करते हैं तो उसको हमको मालूम पड़ता है कि ये पार्ट रिजेक्ट हो गया। तो हमें उसको कैसे कैसे उसके रूट कॉज तक जाना है और क्या उसमें सोल्यूशन ढूंढना है। तो पहली चीज है हमको क्या चेक करना है। पहला है हमको जो ड्रिल और टैप, इसका आपको रनआउट चेक करना है। ये रनआउट क्यों जरूरी है? अगर आपका ड्रिल का डायमीटर, अगर सपोज आपको M6 का टैपिंग करना है, M6 × 1, तो अगर आप रोल टाइप कर रहे हो तो आपका ड्रिल साइज होना चाहिए 5.5। ये साइज अगर आपको अचीव नहीं होता है, या 5.5 भी बनता है, अगर ये साइज 5.5 उसके जगह 5.56 बन गया, 5.7 बन गया, तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि रोल टैपिंग में क्या होता है, पहले हम ओवर साइज करते हैं, बाद में उसको अंडर साइज करते हैं। फॉर्मिंग प्रोसेस है थ्रेडिंग का। अगर आप कट टैप यूज कर रहे हो M6 ले, तो आपको जो डायमीटर है वो 5 रहेगा। तो अगर इस साइज आपका बढ़ रहा है तो वो डेफिनेटली आपका नो गो पास होने के ज्यादा चांसेस है। तो आपने क्या करना है, पहले उसका रनआउट चेक करना है। रनआउट अगर 10 माइक्रोन के अंदर रहा तो ये ओके है,
10 माइक्रोन के अंदर आपका टूल का रन आउट होना चाहिए टैप और ड्रिल का, तभी उसको आप माइनर डाया अचीव कर पाएंगे। ये पहला हो गया उसका रूट कॉज फाइंडिंग। अगर आपका ड्रिल है, आपका रन आउट सही है और टैप का भी रन आउट सही है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। तो दूसरा क्या है, टूल लाइफ। टूल लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टूल लाइफ जो आपने डिसाइड किया, मतलब जो टूल लाइफ होना चाहिए उससे अगर ज्यादा आप उसको यूज कर रहे हो, सपोज पार्ट का कैपेसिटी है 5000 पार्ट बनाने का और आपने उसे 6000 बना दिया, मतलब उसके लिमिट के बाहर चला गया, उस कंडीशन में क्या होगा, ड्रिल काटेगा नहीं, सिर्फ वो घिसते जाएगा। उससे क्या होगा, आपका डायमीटर बढ़ते जाएगा और डायमीटर वेरिएशन आएगा, हर एक पार्ट में वेरिएशन आएगा। तो आपको क्या करना है, उसका लाइफ डिसाइड करना है। जो भी आपका जो मैन्युफैक्चरर है, जो उनके पास जो ट्रायल होता है, उनके अनुसार उनका टूल लाइफ सेट करना है, या पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग लेंथ कितना है, ये सब वो कैलकुलेशन करके उसका लाइफ सेट करना है। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज है, अगर ये भी सही है, समझ लो आपका टूल लाइफ भी सही है, मतलब क्या होता है, बहुत बार कभी कभी प्रॉब्लम आता है और अचानक गायब हो जाता है, तो कभी कभी आता है और अचानक गायब होता है, ऐसा नहीं होता है, कुछ सभी उसमें रूट कॉज होते हैं, वो आपको ढूंढने हैं। तो तीसरा है हमारा स्पिंडल रन आउट। मशीन का जो स्पिंडल होता है उसका रन आउट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मशीन में अगर 10 माइक्रोन से ज्यादा रन आउट है स्पिंडल में ही, तो आपके टूल के ऊपर उससे ज्यादा ही रन आउट आएगा। अगर समझ लो आपका ये स्पिंडल है, उसमें ये आपने टूल लगा हुआ है, इसमें अगर आपका जो स्पिंडल में रन आउट है, अगर आपके स्पिंडल में रन आउट 20 माइक्रोन है, तो यहाँ पे आपका ये इंक्रीज होते जाएगा। जैसे आप इधर जितना लंबा टूल यूज करोगे उतना उसका ये रन आउट बढ़ते जाएगा। अगर यहाँ पे अगर 10 माइक्रोन है, यहाँ पे अगर 10 माइक्रोन है, इधर बढ़ते जाएगा, इधर जाके वो 50 माइक्रोन तक बढ़ जाएगा। तो आपको स्पिंडल रन आउट चेक करना है। सिंपली क्या करना है, एक मैंड्रिल होता है हर कंपनी में होता है, जहां पे बीएमसी होता है वहां पे मेंटर्स में मैंड्रिल होता है। मैंड्रिल में क्या करते हैं, वो एक टूल जैसा होता है, जैसे टूल पकड़ते वैसा होता है, एक 200 mm तक होता है उस 200 mm उसका लेंथ होता है। तो यहां पे क्या करते हैं, डायल लगाते उसको चेक कर दे, उसका जो रन आउट है वो 10 माइक्रोन के अंदर आना चाहिए, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। ये अगर आपका मशीन फुलफिल नहीं करता है, यहाँ पे अगर 10 माइक्रोन है लेकिन यहाँ पे अगर 0.1 हो रहा है, तो आपका स्पिंडल में प्रॉब्लम है, आपको स्पिंडल रिप्लेस करना है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, अगर आपको माइनर डाई का इश्यू आ रहा है, तो पहले आप स्पिंडल रन आउट जरूर चेक कीजिए स्टेप बाय स्टेप। पहले तो हमने ड्रिल और टैप का रन आउट चेक कर लिया, उसके बाद में लाइट देख लिया, उसके बाद में स्पिंडल रन आउट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो फोर्थ वाला पॉइंट है वो है कूलेंट कॉन्सेंट्रेशन। ये बहुत जरूरी है। कूलेंट कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, जो आप कूलेंट यूज करते हो जब टैपिंग होता है, तो मशीन में कूलेंट यूज होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। जो भी ये बेसिक है, जो कॉन्सेंट्रेशन है 5-7% होता है, 5-7% ये आपके उसका कॉन्सेंट्रेशन, कूलेंट का कॉन्सेंट्रेशन होना ही चाहिए। मतलब अगर आप 100 लीटर पानी डालते हो टैंक में, तो
आपके इसमें टैंक में आपको 5 से 7 लीटर ऑयल डालना ही पड़ेगा कंसंट्रेशन बनाने के लिए। अगर आपका रेशियो सही नहीं रहा तो आपका टूल जल्दी हीट होगा और वेयर आउट होगा, उससे आपका माइनर टायर इशू आ सकता है। अगर जैसे ही लेस होते जाता है तो आपका माइनर टायर का इशू बढ़ते जाता है और रिएक्शन प्रोड्यूस होना चालू होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको वो कॉन्सेंट्रेशन चेक करना है। कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए इसका ब्रिक्स वैल्यू चेक करते हैं। ब्रिक्स, एक ब्रिक्स मीटर होता है, उसको रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं। इसको आपको चेक करना है, इसको आपको ब्रिक्स वैल्यू चेक करना है। उसमें क्या रहता है, उसमें ऐसे लाइंस रहते हैं, इधर ये 1%, 2%, 3% जैसे होता है उसमें आपका ये लेवल दिखा देता है कि आपके कूलेंट में कितना ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन है, परसेंटेज है, ये आपको चेक करना जरूरी है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मटेरियल कंडीशन। मटेरियल कंडीशन मतलब क्या होता है, आपके पार्ट में कुछ प्रोसेस है क्या, हीट ट्रीटमेंट है या आपका जो पार्ट है पार्ट का ग्रेड अलग है। बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, अलग अलग ग्रेड के पार्ट होते हैं, अलग अलग उसको प्रोसेस होता है। हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपके टूल का माइनर टायर और इसमें चेंजेस आते हैं। अगर वो हीट ट्रीटमेंट अगर किया है तो आपको ड्रिल साइज थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, तब जाके आपका माइनर डाया गो पास होता है। नहीं तो क्या होता है, वो कंडीशन में क्या होता है, अगर विदाउट हीट ट्रीटमेंट पार्ट रहा तो उसमें गो इजीली पास होता है, लेकिन जो हीट ट्रीटमेंट वाला पार्ट होता है उसको प्रोसेस वाला, तो उसमें माइनर डाया का इश्यू आता है। तो उस कंडीशन में आपको वो ड्रिल साइज बढ़ाना पड़ता है वो मेंटेन करने के लिए। तो लास्ट वाला पॉइंट वही है, मटेरियल कंडीशन। आपके मटेरियल और पार्ट का कंडीशन क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बिना पे आप उसको एनालिसिस कर सकते हो। तो ये कुछ मेरे पॉइंट है। आप अगर आपको इश्यू आ रहा है तो जरूर इस मेथड के थ्रू आप उसको चेक कीजिए। अगर आप ये मेथड के थ्रू अगर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे उसमें लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं आज का जो टॉपिक है मैं समझा पाए हूं आपको। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि मैं और अच्छे वीडियो बना पाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।